नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाली दो तहसील चांद और चोरई के ग्रामीण क्षेत्रों में धमानिया, सिरस, सिंगौड़ी, बमहनी, नूनी बर्रा, पंचगांव, आमगांव, टॉप, पोनिया, खेरघाट, इन सभी गांव में बारिश ना होने की वजह से मक्के की फसल पूरी तरह बर्बाद व नष्ट हो चुकी है। तो ये क्या समस्या आपके यहाँ फसल में? हमारे यहाँ ये फसल है, पानी मतलब गिरे नहीं है, बोनी करे जब से जी फसल नष्ट हो चुकी है जी। फसल बचने के चांस नहीं है? नहीं है। यहाँ सूखे की स्थिति बन गई है, तो फसल की जब से बोनी किए हैं किसानों ने मक्के की, तब से यहाँ बारिश नहीं हुई है। एक हल्की सी बारिश हुई थी किसानों द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन वो फसल जो है फसल को राहत पूर्ण नहीं थी। एक हल्की बारिश थी जिससे फसल को लाभ नहीं हो पाया। और जब हमने अभी प्लाट में आकर देखे, किसानों से बात की, तो उनका यही कहना है कि फसल अगर अभी 3-4 दिन में अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो फसल पूरी तरह बर्बाद और नष्ट हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक समस्या है। किसान जो है अन्नदाता होता है, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों के साथ इस तरह से हर साल प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। देखते हैं आगे जो फसल है, आप आगे देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से बर्बाद हुई है और नष्ट हुई है। मैं फास्ट समाचार छिंदवाड़ा के लिए ललित रघुवंशी।